9 जून 2024 यानी कल का दिन भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब पीएम मोदी समेत पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहा था, वहीं जम्मू कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो गया। आतंकवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर तबड़तोड़ फायरिंग कर, जिससे बस खाई में गिर गई। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 33 घायल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 10 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं? कश्मीर में एक के बाद एक बड़े हमले होना क्या साबित कर रहा है? तो क्या मोदी कश्मीर को नहीं संभाल पा रहे? नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा आतंकी हमला हुआ। शिवखेड़ी से कटरा की ओर जा रही बस पर आतंकियों ने करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। आतंकियों की फायरिंग में बस ड्राइवर को एक गोली लग गई, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी पर संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई और 33 अन्य घायल हुए हैं। उनको तत्काल नारायण हॉस्पिटल और रियासी जिले अस्पताल भेजा गया। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने इस हादसे को अंजाम दिया है। वहीं ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, ताकि इन जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे हैं उन्हें ढूंढा जा सके। हादसे के शिकार बस शिवखोड़ी से लौट रही थी। तीर्थयात्री शिवखोड़ी में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वापस कटरा लौट रहे थे। बस के आसपास की तस्वीरें हैरान करने वाली है। कई लोगों के शव जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े हैं मानो जैसे जमीन पर सूखे पत्ते पड़े। शव इस हालत में मिले कि उनको देखने वाले की रूह कांप जाए। इनमें कुछ बच्चों के शव भी हैं। बता दें, बस में 40 से 50 तीर्थयात्री सवार थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।